आज जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त अभियान के तहत एक रेड का आयोजन किया गया था, जिसमें अवैध तरीके से जो भी गुटखा सिगरेट तंबाकू का जो बिक्री लोग कर रहे हैं उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था। COVID-19 को देखते हुए सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया उसी के आलोक में अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में हम लोग साक्षी जुबली पार्क गेट, सामंत पेट्रोल पंप, ओल्ड फोर्ट मोड़, साक्षी जेल चौक, रामलीला मैदान, कासीडी, राजीव गांधी चौक आदि जगहों पर लगातार हम छापेमारी किए, जिसके क्रम में 15 दुकानदारों को हम लोग निरुद्ध किए, गिरफ्तार किए एवं उनके साथ उनके सामानों को जब्त किए। कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी किए जहाँ कुछ सामान नहीं मिला। 15-20 दुकान में हम लोग जो सामान बरामद हुआ है उसका लागत क्या कुछ होगा अनुमान? सामान के जो है भी लाखों में इसकी कीमत है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 15 लोग अरेस्ट में। और अन्य दुकानदारों को चेतावनी भी कुछ दी गई? सारे लोगों को चेतावनी दी गई और लगभग जितने भी अवैध तरीके से ये गुटखा सिगरेट तंबाकू का बिक्री कर रहे हैं सारे लोगों के लिए चेतावनी है, भविष्य में उससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी।